जाकर अपना इश्क अमर कर जाते थे, या फरहाद थे एक जनाब जो दूध की नदी बहाते थे, या फरहाद थे एक जनाब जो दूध की नदी बहाते थे। एक रांझा भी था किसी समय में जिसने शिद्दत से प्यार किया। एक देवदास था पागल आशिक, पारो पर वो मरता था, छोड़ गई उसको पारो हद पार मोहब्बत करता था, छोड़ गई उसको पारो हद पार मोहब्बत करता था। चली न जाओ इस डर से रिश्ते पर वार नहीं करते, हाँ तुम अच्छी लगती हो और तुमसे प्यार नहीं करते। जैसे संगम लगता है हाँ मिलती है सागर में गंगा, जैसे संगम लगता है हाँ करता हूँ पूरी तैयारी तुमसे कुछ बतियाने की, फिर वापस कोशिश करता हूँ मैं खुद को कुछ समझाने। भूलना चाह रहे हम हाँ तुम्हें भूलना चाह रहे, अब तुमको याद नहीं करते, हाँ तुम अच्छी लगती हो। तुम्हारा क्या जाएगा, पिघलती हूँ पिघलने दो, तुम्हारा क्या जाएगा, तुम शरीर मैं पागल हूँ, तुम शरीर मैं पागल हूँ, मैं लिखती हूँ कोई पागल मुझको भी मिल जाएगा, मुझको भी कोई पागल मिल जाएगा। मेरा नाम आदेश गाजीपुरी है। आदेश, एक कैसा कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग? इश्क के तवर अब एक साहित्यिक मंच की शुरुआत फरवरी 2018 में हुई थी। हिंदी और उर्दू को दोनों को एक ही मंच पर लाया जा सके, इससे युवाओं को जोड़ा जा सके और हिंदी और उर्दू साहित्य को अगली पीढ़ी तक ले जाया जा सके। किस तरह के कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, उसमें कितने युवा कवि थे? इसमें दो वरिष्ठ कवि हैं और एक शायर, क्या कहते हैं, नवाब अहमद नवाब साहब, डॉक्टर मुमताज़ हाशमी जी राष्ट्रीय कवित्री हैं। इसके अलावा सभी युवा हैं और यही हमारा एक प्रयास है, यही हमारा मोटिव है कि हम साहित्य को आगे ले जा सकें, युवा पीढ़ी।